नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विमला की रसोई में। मैं लाई हूँ आपके लिए पालक पनीर की नई रेसिपी, लहसुनी पालक पनीर। इससे पहले मैंने बिना लहसुन प्याज का पालक पनीर बताया था, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। और ये मेरी नई रेसिपी पालक पनीर की, ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। पालक जो आयरन से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर है पनीर, तो है ना डबल मज़ा लहसुनी पालक पनीर का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लहसुनी पालक पनीर बनाने के लिए मैंने लिए 250 ग्राम पालक। पालक को मैं डालती हूँ मिक्सी के जार में। आधा कप डालेंगे पानी ताकि पालक अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो लीजिए, पालक भी ग्राइंड हो गई। हमें हल्की सी दरदरी ग्राइंड करनी है, ज़्यादा महीन नहीं। पालक थोड़ी सी ग्राइंड होने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने आधा कप पानी डाला था तो पालक ग्राइंड हो गई। 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर के पीसेस भी हम काट लेते हैं। पनीर के पीसेस आप अपने हिसाब से रखें। मैंने इसमें थोड़े से मोटे रखे हैं और बड़े पीस रखे हैं। तो लीजिए, पनीर के पीसेस भी मैंने काट लिए। अब बनाना हम शुरू करेंगे। तो गैस पे रखेंगे कढ़ाई। 3 से 4 चम्मच डालेंगे इसमें कुकिंग ऑयल के। फ्लेम रखेंगे फुल। पहले डालेंगे इसमें आधा चम्मच साबुत जीरा। जीरे को ब्राउन होने देते हैं। तो जीरा ब्राउन हो गया है, एक महीन कटा हुआ प्याज भी डाल लेते हैं। प्याज को भून के हम लाइट गुलाबी करेंगे। तो लीजिए, प्याज भी गुलाबी हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। मसाला भुन गया प्याज के साथ, 2 हरी मिर्च भी काट के डाल लेते हैं और 3 चॉप्ड टमाटर भी। मैंने 3 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए थे, करीब 150 ग्राम टमाटर थे। तो टमाटर को हम साफ्ट कर लेंगे ताकि इसका तेल भी अलग हो जाए। तो टमाटर साफ्ट हो गए हैं, तेल भी दिखने लगा है। अब इसमें डालेंगे ग्राइंड करी हुई पालक। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे पालक को हम भूनेंगे। तो पालक भुन रही है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच फ्रेश मलाई। मलाई को पालक के साथ मिक्स करेंगे। अब इसको लगा के रखेंगे ढक्कन और फ्लेम करेंगे कम, क्योंकि 5 मिनट में बहुत बढ़िया तरीके से पालक पक जाएगी, वो तेल भी अलग दिखने लगेगा। तब तक हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। तो फुल फ्लेम पे रखेंगे कढ़ाई। तेल डालेंगे कढ़ाई में और जो पीसेस हमने पनीर के काट के रखे हैं वो भी डाल के लाइट ब्राउन करेंगे। तो फुल फ्लेम पे हमने तेल गरम किया था, लो टू मीडियम फ्लेम पे पनीर को हमने फ्राई कर लिया है। तो पनीर भी देखिए ब्राउन हो गया है, निकाल लेते हैं। जो पचा हुआ पनीर है वो भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो पनीर फ्राई हो गया, पालक को देख लेते हैं। पालक भी अच्छी तरीके से देखिए पक गई है। अब इसमें मिलाएंगे हम पनीर। आधा कप डालेंगे इसमें पानी का। अब लगाएंगे इसमें ढक्कन, फ्लेम रखेंगे कम। 5 से 6 मिनट में पनीर सॉफ्ट हो जाएगा। तो 6 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। पनीर भी देखिए बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो गया है। गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे, ढक्कन लगा के रखते हैं। अब बनाएंगे इसके लिए तड़का, जो बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो गैस पे रखेंगे फ्राई पैन। 4 चम्मच डालेंगे देसी घी के, 1/4 चम्मच साबुत जीरे का, 1/2 इंच कटी हुई महीन अदरक, 6 से 7 कलियाँ कटी हुई लहसुन की,
लहसुनी पालक बना रहे हैं तो लहसुन डालना भी ज़रूरी है, तभी तो मज़ा आएगा पालक में। आधा चम्मच लिया है कसूरी मेथी का, इससे पालक का स्वाद चार गुना बढ़ जाएगा। आधा चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए तड़का भी तैयार है, डाल लेते हैं पालक में। तो लीजिए तैयार है बेहद स्वादिष्ट, खाने में बहुत ही अच्छी लहसुनी पालक पनीर की सब्जी, जिसको खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसको चपाती के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं। थोड़ी सी इसमें डालेंगे गार्निश के लिए हम दही। एक चम्मच मैंने दही डाली है, दही मैंने खट्टी नहीं ली है। तो लीजिए मज़ा लहसुनी पालक पनीर का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।